الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Buzurgan yang muhterem, Millat-e Islamiyah ke nauzawan bhaiyon, aur deegar saamin aur haazirin, Allah tabarak wa taala ki zaat har qisam ki tareef aur tauseef hai aur meri aur aap sabhi hazrat ki har tarah ki ibadat aur bandagi ki mustahiq zaat hai जिसकी बंदगी के लिए हम और आपको उसने पैदा किया है और जिसकी बंदगी में जीने ही के लिए हम और आप अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं। दरूद व सलाम हो अली आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे गिरामी पर, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को ही अच्छी बनाने वाले दीन का पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा। अल्लाह के फजल व करम के बाद आपकी मेहनतों और कोशिशों से वो दीन हम और आपको नसीब हुआ। जो दीन हमारी दुनिया भी सुधारता है और आखिरत भी संवारता है। हाजिर ने जो वहां कुरान सुन्नत में हम और आपको जिन बातों का हुक्म दिया गया है, जो बातें कुरान सुन्नत में मुझको और आपको सिखलाई और बतलाई गई हैं, उनमें से एक अहम बात, एक अहम तालीम ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत जब करते हैं तो इबादत में शऊर होना चाहिए। इबादत का एहसास हमको होना चाहिए कि हम इबादत कर रहे हैं। इस्तेहजार की कैफियत होनी चाहिए। आदमी इस जहन के साथ इबादत करे कि मैं इबादत कर रहा हूं, उस रब्बुल जलाल की बंदगी कर रहा हूं कि जिसके एक एक इशारे पर मेरे सारे मामलात कुर्बान हैं, या मैं अपनी जिंदगी की एक एक सांस के मामले में उसका मोहताज हूं। हमारी और आपकी इबादतें जो भी होती हैं, अल्लाह की तौफीक से चाहे वो नमाज की शक्ल में हो, कुरान मजीद की तिलावत की शक्ल में हो, जिक्र अज़कार की शक्ल में हो, या दीगर इबादतें जैसे वो हम वुज़ू करते हैं वगैरह, जो भी इबादतें हम और आप से होती हैं, इस्लामी शरीयत हम और आपको ये सिखाती है कि इबादतों में यकसुई होनी चाहिए, पूरी तवज्जो होनी चाहिए, पूरा शुरूर हमारा बेदार होना चाहिए, हमारा दिल और दिमाग पूरी तरीके से उसमें हाजिर रहना चाहिए। असल में हमारी और आपकी इबादत की कदर और कीमत इसी शुरूर की वजह से मुतय्यन होती है। यही शुरूर, यही इस्तेहजार की कैफियत है जिसकी वजह से हमारी इबादत इबादत बनती है और इबादतों में भी आला दर्जे की इबादत बन पाती है। अगर ही अगर हमारी जिंदगी में, हमारी इबादतों में ये शुरूर की कैफियत ना हो तो देखने में तो हमारी इबादतें बहुत सारी हैं, लेकिन हकीकी वजन जो इबादतों का है और उनके जो असरात मेरी और आपकी जिंदगी में होनी चाहिए और उस पर जो अजर मुझको और आपको मिलना चाहिए वो इंतहाई घट जाता है। असल चीज है इबादतों के अंदर शुरूर, इबादतों के अंदर इस्तेहजार की कैफियत, इबादत के अंदर ये एहसास कि मैं अल्लाह ताला की बंदगी कर रहा। आज
हमारी और आपकी जिंदगी में जिन बातों की इस्लाह की जरूरत है, उनमें से बड़ी ही अहम इस्लाह यह है कि हम और आप अपनी इबादतों की रूह बचाने की कोशिश करें। हमारी इबादतें रूह से खाली होती जा रही हैं, वो इबादत इबादत नजर तो आती है लेकिन इबादत का जो की जो कैफियत होनी चाहिए, उसके जो असरात होने चाहिए और उसका जो अजर मिलना चाहिए, वो हमारी और आपकी जिंदगी में नजर नहीं आता। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस जिब्राइल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी से पूछा था कि मल इहसान, अल्लाह के नबी इहसान क्या है? अरबी जबान में एहसान कहते हैं किसी भी काम को कमाल के दर्जे तक पहुंचाकर अंजाम देना। आप इंतहाई आला मेयार पे ले जाकर किसी काम को करते हैं तो कहते हैं कि ये एहसान है। अरबी जबान में एहसान का मतलब होता है किसी काम को बिल्कुल उसके आला मेयार तक ले जाना। मन एहसान हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के नबी से पूछा था, अल्लाह के नबी ये एहसान का जो दर्जा हमारे दीन और ईमान के अंदर है वो दर्जा कैसे हम पा सकते हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बतलाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों का कमाल या एहसान का दर्जा बतलाते हुए कहा था कि उबुदुल्लाह कअन्नका तराह, तुम इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फइन लम तकुन तराह, अगर तुम अल्लाह को देख नहीं पा रहे हो, फइन्नहु यराक, अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। यह है शुरू, यह है इबादतों में इस्तेदार, यह है इबादतों में कैफियत, यह है इबादतों की असल रूह, यह है असल में आज मेरी और आपकी जरूरत। आप याद रखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बड़े साफ लफ्जों में बयान फरमाई। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शेख अल्बानी ने हसन कहा इस हदीस को, अल्लाह के नबी ने कहा اعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम ये बात जान लो, दुआ करने वाला गाफिल दिल के साथ दुआ करता है, लापरवाही के साथ दुआ करता है, तो ऐसी दुआ अल्लाह तआला कबूल नहीं करता है। हमारी दुआ हमारी इबादत का एक शक्ल है, इबादत का एक हिस्सा है। इस दुआ के अंदर भी वो शुरू इस्तेदार होना चाहिए कि हम अल्लाह तआला की इबादत कर रहे हैं। आप ये बात जान लें कि मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होने वाली इबादतें आज कमियत में नजर आती हैं, क्वांटिटी में नजर आती हैं तो आती हैं, लेकिन कैफियत की बात करें, क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आज बड़ी इस्लाम की मेरी और आपकी जिंदगी में जरूरत है। हमारी इबादतों के अंदर की वो कैफियत घटते घटते उस मुकाम पे आ गई है कि जहां हम और आप नमाज में दाखिल भी होते हैं, नमाज से निकल भी जाते हैं, पढ़ते फारिग होके पता निकल भी जाते हैं, और सच पूछे नमाज के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए नमाज में आपने कौन सी सूरतें पढ़ी तो आपको याद नहीं होगा। कितने लोगों की नमाजों की ये कैफियत, ऐसी नमाजें इस्लामी शरीयत की नजर में अच्छी नमाजें नहीं, पूरी नमाजें नहीं, और अल्लाह जाने वो अल्लाह के पास कबूल होती भी है कि नहीं होती, इसलिए कि इतनी गफलत हो कि आदमी को पता भी ना हो कि नमाज में वो क्या पढ़ रहा है, क्या कह रहा है। अल्लाह ताला के पास ऐसी इबादत का दर्जा क्या होगा, अल्लाह ही जाने। इसलिए आज हम और आपको अपनी इबादतों की इस्लाह की हैसियत से करने की जरूरत है कि इबादतों में शुरूर पैदा करें। आप यकीन करें एक मामूली इबादत भी, छोटी सी छोटी इबादत भी, नमाज तो रुकने इस्लाम, नमाज तो बड़ी अजीम इबादत है, छोटी सी छोटी इबादत भी हम और आप करते शुरू के साथ करने की कोशिश करें। हम और आप वजू करते हैं, वजू करते वक्त पाकी सफाई का एक एहसास तो होता होगा, लेकिन क्या हमें इसका भी एहसास होता है, हम महसूस करते हैं कि मैं वजू कर रहा हूं तो मेरे गुनाह गिरते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ना, बंदा वजू करता है, हाथ जब धुलता है तो उसके हाथों से गुनाह गिर जाते हैं, हद तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी गुनाह गिरने लगते हैं। बंदा जब वजू करता है, चेहरा धुलता है, तो आंखों से जो उसने गुनाह किए होंगे सारे गुनाह अल्लाह ताला उससे पाक कर देते हैं। क्या इबादत करते हुए वजू करते हुए इन कैफियतों को हम हाजिर रखते हैं? जब हमारे और आपकी इबादतों में इस्तेहजार की अल्लाह की बंदगी का वो जज्बा मौजूद नहीं रहेगा तो फिर बताएं इबादत का कमाल मुझको और आपको कैसे मिलेगा? हमारी और आपकी इबादतें वाकई मानों में उस दर्जे में कैसे पहुंच पाएंगी जहां एक इबादत मेरी और आपकी जिंदगी को बदल दे? आज हम और आपकी जिंदगी के एक अलमिया है, हम और आप इबादतें बहुत करते हैं, जितनी भी अल्लाह की तौफीक से,
लेकिन जितनी इबादतें हम करते हैं उन इबादतों के मुस्बत असरात हमारी जिंदगी में नजर नहीं आते। वजह क्या है? वजह यह है कि इबादत तो हमने शक्ल के एतबार से की, कैफियत के एतबार से इबादत को उतनी ज्यादा मुअस्सर न बना सके जो हमारी खुद जिंदगियों को बदल दे। मेरी नमाज अगर मेरी जिंदगी पे असरअंदाज ना हो तो मुझे अपनी नमाज का मुहासबा करना चाहिए। कुरान की मैं तिलावत करूं लेकिन मेरे दिल के अंदर वो कैफियत पैदा ना हो, रिक्कत पैदा ना हो, उसका असर महसूस ना करूं, सुकून ना मिले, मुझे महसूस करना चाहिए कि कुरान की तिलावत करने के मामले में कहीं मुझसे पूरी पूरी आमादगी नहीं है, कहीं कोताही हो रही है। कोई भी इबादत अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, चाहे दानों पर आप गिर रहे हैं, शरीयत के लिहाज से शरीयत के मसले के एतबार से दुरुस्त नहीं, आप दानों पे गिने दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर आप वहां गिने या उंगलियों पे गिने लेकिन शुरू ना हो तो फिर दाना और उंगली दोनों एक होकर बैठ जाए। बात असल में ये है कि हम और आप अपने आप को अपनी इबादतों में किस कदर इन्वॉल्व कर पाते हैं, अपने आप को किस कदर उसमें दाखिल कर पाते हैं, ये असल में हमारी और आपकी इबादतों की कैफियत। सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत है, आप सुने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी नमाजों के दर्जे बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ان العبد يصلي بندہ نماز پڑھتا ہے وليس له من صلاتي حالانکہ اس کی نماز جو وہ پڑھتا ہے اس کا حاصل اسے کتنا ملتا ہے الا عشرها دسویں کا ایک حصہ ملتا ہے صرف 10% ملتا ہے اور تو وہ دوسروں کا 9 میں کا ایک حصہ صبحها 8 میں کا ایک حصہ صبحها 7 میں کا ایک जाएंगे लेकिन सबका दर्जा अल्लाह ताला के पास सबकी नमाजों का एक नहीं होगा। किसी को उसकी नमाज में से सिर्फ 10% हिस्सा ही मिलेगा, किसी को अल्लाह ताला देगा 50% हिस्सा मिलेगा, और बहुत कम होंगे जो एहसान के दर्जे पे जाके इबादत करते होंगे जहां इबादत उनकी मुकम्मल होती होगी, इबादत उनकी पूरी होती होगी। आज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस सुन नबी दाऊद की, ये मेरे और आपके सामने आईना रखती है। हर नमाज के बाद हम खुद मुहासबा करके देखें कि आज मैंने कितने फीसद वाली नमाज पढ़ी, मेरी नमाज कितने परसेंटेज वाली है मैं तय कर सकता हूं, कोई और उसके लिए जरूरी नहीं। हमारी और आपकी नमाजें और इबादतें शुऊर की दौलत से महरूम है, शुऊर की कैफियत से महरूम है, हमारी और आपकी जिंदगी इस्तेदार की इस कैफियत से महरूम है। मैं आपको बताऊं, बाजार इल्म ने बड़ी प्यारी बात कही, लोग कहते हैं मैं नमाज पढ़ता हूं मुझे इबादत के अंदर सुकून नहीं मिलता है, मैं इबादत पढ़कर नमाज पढ़ता हूं लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता है। ये तो नहीं हो सकता, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है तो यकीनन मिलता है, लेकिन फिर भी हम नमाज पढ़ते हैं हमें सुकून नहीं मिल रहा है। अल्लाह ने कहा इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और मुनकरात से रोकती है, यकीनन रोकती है, लेकिन फिर भी अगर मेरी और आपकी नमाज अगर मुझ और आपको रोकने में नाकाम है बुराइयों से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी नमाज वो नमाज नहीं जो सुकून दिलाने वाली हो, हमारी नमाज वो नमाज नहीं है जो हमारे और आपके बुराइयों के और हमारे दरमियान रुकावट बन जाए। अपनी नमाज की इस्लाह करो, अपनी इबादतों की इस्लाह करो, अपनी दुआ अपने जिक्र अज़कार कुरान की तिलावत की हिफाजत करो, इसी से असल में हमारी और आपकी जिंदगियां बदलती हैं। बाज़ इल्म ने इसमें बड़ी हिकमत बताई, कहा अल्लाह ताला ने सुबह का इख्तिताम का आगाज नमाज से करवाया, शाम का इख्तिताम नमाज से करवाया, कि अल्लाह के नबी ईशा की नमाज के बाद किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, सो जाते थे, का आगाज भी नमाज से करवाया, इख्तिताम भी नमाज से करवाया, और दिन के दौरान भी तीन तीन मरतबा अल्लाह ताला ने नमाज के लिए मस्जिदों को बुलाया, और औरतों को घर में या अगर सहूलत हो तो गुंजाइश हो तो मस्जिदों को आने की जब इजाजत दी। इसके पीछे कहा बड़ी हिकमतें हैं, और बड़ी हिकमतों में से सबसे बड़ी हिकमत यह है कि ईमान का सहारा यही नमाज है।
मेरे और आपके दीनों ईमान की हिफाजत इसी नमाज से होती है, और जब नमाज की हिफाजत मुझसे और आपसे नहीं हो सकती, चाहे जाहिरी हिफाजत की बात करें या कैफियत की हिफाजत की बात करें, हम नमाज की हिफाजत न कर सके तो फिर वास्ता तौर पर हम और आप अपने ईमान को खतरे में डालते हैं। ये इस्लामी शरीयत की बताई हुई मेरी और आपके सामने तालीमात है। बाज़ अल-इल्म ने इसीलिए बड़ी प्यारी बात कही है कि जिस आदमी को नमाज पढ़कर सुकून न मिले, उस आदमी को चाहिए कि नमाज जरा सुकून से पढ़े। जल्दी न्याय दो चार आपने झुकना उठना किया और निकल गए, दो चार ठोंगे मारी और निकल गए, इससे नमाज के वो फायदे वो असर मेरी और आपकी जिंदगी में नजर नहीं आ सकते। आज ये गिरामी तीन बुनियादी बातें याद रखी, नमाज ही की बात नहीं, कोई भी इबादत, मैंने वजू की बात की, मैंने आपके सामने कुरान की तिलावत का जिक्र किया, हर वो काम जो आप नेकी के काम के तौर पे करते हैं उसमें इस्तेहजार की कैफियत पैदा कीजिए, वो शोर और जज्बा पैदा कीजिए कि आपकी इबादत के अंदर इस्तेहजार की कैफियत होनी चाहिए। और जब ये होगी तीन बड़े और बुनियादी फायदे खुश और आपको हासिल होंगे। सबसे पहले हमारी और आपकी इबादत कमाल के दर्जे की इबादत बनती जाएगी, एहसान के दर्जे में जाकर अल्लाह की इबादत करने वाले हम और आप बनेंगे, नमाज हमारी मुकम्मल होगी। दूसरा फायदा यह होगा कि नमाज से या किसी भी इबादत से हम फारिग होंगे तो उसका पूरा पूरा अजर मुझको और आपको मिलेगा, एक एक नेकी भी बड़ी कीमती हो जाएगी, बड़ी वजनदार हो जाएगी। और तीसरा बड़ा फायदा यह होगा कि इन इबादतों के जो असरात मेरी और आपकी जिंदगी में नजर आने चाहिए, इनके बेहतर असरात जो मेरी और आपकी जिंदगी में जाहिर होने चाहिए वो भरपूर तरीके से जाहिर होंगे। अपनी नमाजों की कैफियत की हिफाजत, शुहूर की हिफाजत, इस्तेहजार की कैफियत को पैदा करना, ये असल में अपने दीन और ईमान की हिफाजत की फिक्र करना है। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सभी हजरात को, बुजुर्गों को, भाइयों को अपनी नमाजों का और अपने इबादतों का मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए, शुऊर के साथ इबादत करने वाला मुसलमान बनाए, हर इबादत में इस्तेहजार की कैफियत अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, और हर इबादत में एहसान के दर्जे को पाने के लिए कोशिश करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, और जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को हल फरमाए, और जो इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दीन की, हमारी दुनिया की दोनों की हिफाजत फरमाए, और आखिरत में हम और आप सबकी मगफिरत फरमाकर हमको, हमारे वालिदैन को, हमारे अपने बड़े बुजुर्गों को सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन।